हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हंगर पैंग्स क्या होते हैं। जब हमें भूख लगती है तब हमें झट ही ऐसे महसूस होता है कि भाई पेट तो आज खाली है, मुझे चक्कर आएंगे, इतनी कमज़ोरी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हमारा पेट खाली हो जाता है। पेट खाली होने का ये मतलब नहीं है कि हमने जो भी खाया था वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है, पेट हमारा खाली हो चुका है। इसका ये मतलब है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो पेट है, पेट के अंदर कुछ सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर एक ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो ये संदेश देता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो भी ख़त्म होने की लेवल पे है। ग्लूकोज जो है बॉडी में कम होता जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जब भी ग्लूकोज जो है उसका लेवल कम होने लगता है तो पेट में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। जब वो हार्मोन रिलीज़ होता है तब हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें भूख लग रही हो, भूख लगती है और अजीब अजीब आवाज़ें भी आने लग जाती है पेट से। तब ग्रेलिन रिलीज़ होता है और हम क्या करते हैं, झट से हमें खाना मिल जाता है, या फिर खाना नहीं मिल पाता है तो एकदम लास्ट लेवल तक वो ग्लूकोज जो है वो ही हमें चलाता है। हम चल पाते हैं, ये जो कुछ कर पाते हैं तो वो ग्लूकोज के ही सहारे होता है। एनर्जी फॉर्म है ग्लूकोज। तो एक तो ग्लूकोज जितना होगा उसी हिसाब से हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी। तो ग्लूकोज के ख़त्म होते ही हमें चक्कर आ जाएंगे या फिर हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से महसूस होने लगेगी, हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होगा जब ग्रेलिन रिलीज़ होता है और हम झट तभी खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं और खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी जो है अब्जॉर्व कर ली जाती है, ये सारा अवशोषण हो जाता है। फिर जब पेट भर जाता है तब हमें डकार आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है जो ऐसा कहता है कि भाई ग्लूकोज की मात्रा जो है वो पूरे अपने एकदम पर्याप्त स्तर पे है, जितना होना चाहिए उतनी बन चुकी है ग्लूकोज की मात्रा, और बस अभी और खाने का तुम्हें नहीं करना चाहिए, खाना बंद कर दो, बस बहुत हो गया। तो ये चीज़ है लेप्टिन, जो लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है हमारे स्टमक में वो हमें ऐसे आगाह कर देता है कि भाई और नहीं खाना है। अति किसी भी चीज़ की हानिदायक हानिकारक होती है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो ग्लूकोज के लेवल जो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी कैपेसिटी आपको उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा होता है इसमें, और ज़्यादा खाना जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो अब मेन बात थी हंगर पैंग्स की। जब हमें भूख लगती है या फिर पेट में जब आवाज़ें आने लगती है तब हंगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है कि जो बचा खुचा जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी तक खाना मिला नहीं है, ग्रेलिन रिलीज हो चुका है, बॉडी को ये पता चल चुका है कि भाई भूख लगी है, फिर भी अभी तक खाना नहीं मिला है, तो हमारे हंगर पैंग्स होने शुरू हो जाते हैं। माने हंगर कॉन्ट्रैक्शन, पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं कि भाई बस अभी रहा नहीं जा रहा, कहीं से जल्दी से हमें कुछ खाना पड़ेगा। तो ये था हंगर पैंग्स, ग्रेलिन और लेप्टिन की बात। तो जैसा कि हमने ब्रेन वाले लेसन में पढ़ा था कि डायन्सेफलॉन नाम का एक स्पेशल पार्ट है, फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है। फोर ब्रेन के अंदर एक तो सेरिब्रम आता है, दूसरा आता है डायन्सेफलॉन। तो डायन्सेफलॉन हंगर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें जब भी भूख लगती है तो ये मैसेज जाता है अपने फोर ब्रेन के, डायन्सेफलॉन वहाँ पे उस पार्ट ऑफ ब्रेन में जाता है और उसे ऐसे सचेत करता है कि भी भूख लग गई और ग्रिलिन जो है ये रिलीज हो चुका है। तभी हमारा ब्रेन जो है जल्दी से खाना ढूंढने की कोशिश करेगा कि भाई बॉडी जो है वो कमज़ोर पड़े, उससे पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ होती है और फिर वापस मैसेज आ जाते हैं सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बारे में। तो मैंने कितनी ही बार बता दिया, जब भी हमें कुछ महसूस हो रहा है उसी टाइम पे सेंसरी नर्व्स जो है वो जाके अपने ब्रेन को बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हाल हुआ है इसके साथ। जब हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसका मैसेज आता है मोटर नर्व्स के थ्रू। तो ये हो गई नर्व्स की बात भी, और ब्रेन के पास मैसेज कैसे गया वो भी, और जो दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे जब हमें भूख लग रही थी और पेट भर गया तब भी, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।